अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? आप लोग सब खैरियत से हैं? मेरी ये पहली फेस कैम वीडियो है और बस आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर इसमें कुछ गलती देखें तो इसको इग्नोर कर दें। मतलब आज के बाद भी इस तरह की वीडियोस तो आएंगी, तो पहली वीडियो है, कुछ मिस्टेक्स होंगी, फिर आउटडोर जाके वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह अगर इससे हौसला अफजाई मिली। आज की जो वीडियो है, जो एक वफाकी वज़ीर ने बयान दिया है, फैसल वाडा साहब ने, उस बारे में वो कहते हैं कि हफ्ता 10 दिन में जो है ना, पाकिस्तान में इतनी नौकरियां होंगी कि नौकरियां ज़्यादा और लोग कम होंगे। तो मैंने कहा फैसल वाडा साहब से एक मशवरा ही दे दूं कि आप बिल्कुल लोगों की फ़िक्र ना करें, लोग बहुत हैं, मतलब ओवरसीज़ में जो भी पाकिस्तानी हैं सारे वापस आ जाएंगे, आप नौकरियों का बस बंदोबस्त कर दें। और इन नौकरियों पर सबसे पहला हक उन लोगों का है जिन्होंने जाकर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ़ को वोट दिया था, या फिर वो लोग जिन्होंने यहाँ रह के अपनी फैमिली को कन्वेंस किया कि आप तहरीक इंसाफ़ को वोट दें, तो उन लोगों का पहला हक है। तो मेरा उन लोगों को मशवरा जो जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी हैं कि आप लोगों को तो अभी से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में 10 दिन, हफ्ता 10 दिन में नौकरियां आ रही हैं, हफ्ता 10 दिन आप जाएं अपने फैमिली वालों के साथ चिल करें, आउटिंग पे जाएं, और फिर उसके बाद आप नौकरी करना स्टार्ट कर दें। और सबसे पहली नौकरी मेरे ख्याल में वो अमेरिका में जो झील के खड़े, जो झील के किनारे जो डॉक्टर साहब खड़े थे, उनको देनी चाहिए सबसे पहली नौकरी। तो और उसके अलावा मैं सऊदी अरेबिया भी हूँ चूँकि, और यहाँ से जो मतलब लोग पहले जा रहे हैं उनसे मशवरा है कि वो जो मामू का बेटा कमरान है उसको साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वो भी हालात की वजह से वापस भाग आया था, तो उसको साथ लेके जाएं, तो और उसे यकीन दिलाएं कि पहली नौकरी दूसरी नौकरी तुम्हारी ही है, बस वहाँ पे अब तुम्हें महंगाई की परेशानी नहीं है जिस वजह से तुम भागे हो, क्योंकि तुम वहाँ पर नौकरी करोगे अच्छी खासी और फिर महंगाई का फ़िक्र करने की, महंगाई की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। तो यही कुछ था इस वीडियो में, छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आए तो भी पहली वीडियो है, बस लाइक कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।